हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आंवले का अचार, वह भी बिल्कुल नए तरीके से, बिना उबाले, बिना केमिकल, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आंवले का अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर आधा केजी आंवला ली हूँ। आंवला लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आंवले में दाग धब्बे न हो। अगर इस तरह के आंवले में दाग धब्बे हो तो आप इसे काट कर निकाल दें, नहीं तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। यहाँ पर हमने आंवलों को धोकर इसे कपड़े से पोंछ लिया है। वैसे तो मैं अपने चैनल पर दो तरह के आंवले की रेसिपी डाल चुकी हूँ, पर यह तरीका थोड़ा डिफरेंट है। गैस पर हमने भगोने में पानी रख दिया है। अब इस पर हम रखेंगे एक छननी। अब छननी के ऊपर हम एक एक आंवले को रखेंगे। छननी के ऊपर हमने सभी आंवलों को रख दिया है। अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम आंवले को चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक नाइफ लिया है। अब नाइफ की मदद से हम आंवले को चेक करेंगे। देख सकते हैं आंवला हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम आंवले को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आंवले हमारे जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच धनिया, 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना। अब हम मसालों को हल्का भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो हमने रखा है। मसाले हमारे हल्का भून चुके हैं। छूने पर पता चल रहा है कि मसाले गर्म हो चुके हैं। अब यहीं पर हम 1.5 चम्मच सरसों डालेंगे। यहाँ पर आप कोई भी सरसों ले सकते हैं, काला या पीला। अब सरसों को हमें मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। गैस को हम बंद कर देंगे। कढ़ाई अभी गर्म है तो सरसों उसी में भून जाएगी। अब हम मसालों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मसाले को ठंडा करके मिक्सी में इसे दरदरा पीस लेंगे। आंवला हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम एक फॉर्क की मदद से आंवले में होल करेंगे। इससे क्या होगा कि आंवले में नमक और मसाले अंदर तक चले जाएंगे और अचार जो है जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमें सभी आंवले में होल कर लेना है। गैस पर हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है। अब उसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी तेल। अब हम तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम आंवले को डालेंगे। अब हम तेल में आंवले को थोड़ी देर भून लेंगे ताकि आंवले में जो भी नमी होगी वो सूख जाएगी। आंवले को हमें ज़्यादा देर नहीं भूनना है। आलू को इस तरह से उलट पलट कर दोनों साइड से भून लें ताकि आलू में जो भी थोड़ा बहुत नमी है वो सूख जाए। अब देख सकते हैं कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है, यह आवाज़ बंद हो जाएगी। आंवले में से हमारे कड़कड़ाने की जो आवाज़ है वो बंद हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। तेल हमारा हल्का गरम है। अब यहीं पर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब यहीं पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अब यहीं पर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच मंगरेल, जिसे कलौंजी भी कहा जाता है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तेल में, ताकि तेल हल्का गरम है तो हल्दी जो है वो पक जाएगी। अब यहीं पर डालेंगे 1/2 चम्मच हींग।
अब यहीं पर डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब यहीं पर डालेंगे भुने मसाले जिसको हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम मसालों को आंवले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर डालेंगे 1.5 चम्मच नमक। अब नमक को भी मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप ज़्यादा गर्म तेल में मसाले को ना डालें, नहीं तो टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। आंवले को भून लेने से क्या होगा कि आंवले का जो है थोड़ा सा कसापन वो ख़त्म हो जाता है। अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर 2 चम्मच सिरका डाल सकते हैं। अब हम अचार को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अचार को हमने एक साफ सुथरे जार में भर दिया है। अचार तेल में डूबा रहेगा तो वह कभी खराब नहीं होगा। अचार तभी खराब होता है जब अचार में नमी बन जाती है, इसलिए आप जार को टाइटली से बंद करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।